हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का मेरे झारखंड किंडो टेरेस गार्डन में मैं फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स कुशल मंगल होंगे। और आज मैं मेरे गार्डन के कुछ वीडियो मैंने 6 तारीख और 5 तारीख को बनाई हुई हूँ, उसे आप सबों को दिखाऊंगी। और आज तो 7 मार्च है और सवेरे के लगभग 8 बजे हैं। आज मैं आप सबों को मेरे फ्लावरबिन में फ्लावरिंग से आप फ्लोटिंग हो गई है उसे दिखाऊंगी। और भी कुछ कुछ है मैं शेयर करूंगी। और जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उन सबों को मैं धन्यवाद देती हूं। और जो भी मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं प्लीज़ लाइक करना ना भूले। और जो भी नए फ्रेंड्स हैं प्लीज़ रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी, ताकि आप सबों के मोबाइल में मेरे जितने भी न्यू वीडियो है उन सबों की नोटिफिकेशन आ जाए। और फ्रेंड्स प्लीज़ पुराने लाइक करना ना भूलें। मैं इसी तरह के न्यू वीडियो आप सबों के लिए लाती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए मेरे मैंने आज अपने गार्डन के कुछ व्यू दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये संडे का वीडियो है। आज मैं थोड़े से कुंदरू मेरे बड़े बड़े हो गए हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। देखिए साइज तो मुझे ठीक ही लग रहे हैं। शुरू में बहुत ही छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने इसे पौधे को दोबारा से लगाऊंगी उखाड़ने के बाद बोली थी, लेकिन साइज देखकर तो मैं अभी थोड़े दिनों के लिए इसे छोड़ देती हूँ फ्रेंड्स। और इसके साथ मैं मेरे आज एक लौकी में फ्लावर आने शुरू हो गए हैं उसे आप सबों को दिखाऊंगी। देखिए इतने से मैंने हार्वेस्ट की हूँ उस दिन से, आज थोड़ी ज़्यादा हार्वेस्टिंग हुई है। और मैं दिखाने जा रही हूँ मेरे लौकी के फ्लावर। देखिए ये मेरे उस कल 2 दिन पहले, हाँ उस दिन के वीडियो में मैंने आप सबों को दिखाया था कि मेरे लौकी में फ्लावर आने लगे हैं। और ये है मादा फ्लावर, लेकिन मेरे इस पौधे में एक भी नर फ्लावर नहीं है, इसीलिए मुझे कोई भी अभी इस पौधे के जो ये फ्लावर है उसे मुझे फ्रूट नहीं मिलेगी। शायद इसके बाद और भी है, शायद उससे मुझे मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, आज मैं संडे का यह वीडियो है, शाम हो गए हैं 4 बजे का। और मैं देखिए ये खीरे, मैंने 4 खीरे लगाए थे, चारों ही अच्छी तरह से ग्रोथ की कर रहे हैं। और इनमें 2-3 पत्तियां आ गई है, इसे मैं देखिए यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए करेले के पौधे और कुम्भे के पौधे के बीच में यहाँ पर इस सीमेंटेड पॉट में, देखिए फ्रेंड्स से मैं कैसे शिफ्ट करती हूँ। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, मेरे फरस बिन कितने अच्छे से हेल्दी से हो गए हैं सभी प्लांट। और इनमें सभी प्लांट में अच्छी तरह से फ्लावर आने लग गए हैं। मैं दिखाती हूँ इनके फ्रूटिंग कैसे हो रही है। शायद दिख रहा होगा आप सबों को, देखिए अभी तक तो हेल्दी है। मैं बीच बीच में इनके पत्तों को पलट पलट के देखती रहती हूँ कि इनमें कोई रेड माइंट का अटैक तो नहीं हो गया है, क्योंकि तुरंत ही रेड माइंट का अटैक हो जाता है और पत्ते पीले पीले से होने लगते हैं। बिल्कुल एक दो ही रहता है लेकिन पूरे पत्ते को पीला कर देता है। शायद आप सबों को नहीं दिख रहा होगा, पहले के मेरे जब मेरे पौधे में रेड माइंड का अटैक हो गया था, तो देखिए सभी प्लांट्स में हो फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो गई है और बहुत ही हेल्दी पौधे हैं। मैं जल्द ही इन सभी से हार्वेस्टिंग ले लूँगी। और मैंने देखिए मैंने धनिया से भी हार्वेस्ट लेना शुरू कर दी हूँ। देखिए यहाँ से मैंने कुछ धनिया ले लिए हैं। और देखिए मेरे ये पौधे जिसे मैंने शिफ्ट किया था यहाँ पर, अब ये सभी भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। इसे मैं शायद आज शिफ्ट कर दूंगी ग्रो बैग में। मेरे कुछ टमाटर के पौधे ख़त्म हो गए हैं, तो उन्हीं मिट्टियों में मैं खाद डालकर सभी पौधों को शिफ्ट कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।